हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मेटलर्जी में बात की थी अबाउट किसके बारे में, कौन सी मेटल की मेटलर्जी हमने पढ़ी थी, एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के लिए जो हम मेन ओर काम में लेते हैं वो क्या होता है आपका, बॉक्साइट, दैट इज Al2O3.2H2O। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। एल्यूमिनियम के जो आपका मेटलर्जी होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होते हैं आपके कॉन्सेंट्रेशन के जो मेथड्स होते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के जो मेथड काम में लेते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके जो एल्यूमिनियम की ओर है उसमें कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। अगर आपके पास Fe2O3 की इम्प्यूरिटी है तो आप बेयर्स प्रोसेस काम में लोगे या फिर होल्स प्रोसेस काम में लोगे। ठीक है, वहीं अगर आपके पास SiO2 की इम्प्यूरिटी है तो आप सरपेक्स प्रोसेस काम में लेते हो। ठीक है, आपका बेयर्स प्रोसेस में क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, दैट इज आपका जो बॉक्साइड ओर होता है Al2O3, उसकी आप रिएक्शन करवा देते हो। ठीक है, किसके साथ, NaOH के साथ डाइजेस्ट उसको करते हो। ठीक है, आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलता है, उस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो उसको। ठीक है, उससे आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप रिएक्शन आप हीट करते हो अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या मिलता है, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना, दैट इज Al2O3। ठीक है, इम्प्यूरिटीज जो होती है रिएक्शन नहीं करेगी, वो आपके पीछे रह जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम होल्स प्रोसेस की बात करेंगे, दोनों का मेथड सेम है, बस आपको NaOH की जगह किसको काम में लेना है, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3 को काम में लेना है। ठीक है, बाकी आपका पूरा का पूरा स्टेप सेम है। ठीक है, थर्ड है आपका, दैट इज सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस में क्या होता है, सरपेक्स प्रोसेस में हम ओर की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कार्बन और किसके साथ, N2, बिल्कुल करेक्ट, अराउंड 1800 डिग्री सेल्सियस पर। इससे अपने को AlN मिलता है। ठीक है, AlN की रिएक्शन आप वाटर से करवा दीजिए, फिर से आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, उसे हीट कीजिए, फिर से आपको क्या मिलेगा, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना, दैट इज Al2O3। तो ये तीन मेथड्स होते हैं किसके लिए, एल्यूमिनियम के या फिर एल्यूमिना के एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, ये चीज़ जो है जो आपको ध्यान रखनी, क्योंकि इससे हमें Al2O3 मिलता है, ऑक्साइड मिलता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ एल्यूमिनियम का, उसके लिए हम काम में लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम करते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, और इसमें हमें दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। क्या फेस करनी पड़ती थी, जो आपका एल्यूमिनियम होता है दैट इज Al2O3, एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, मतलब लो मतलब हम कह सकते हैं 2050 डिग्री सेल्सियस होता है, वो नियरली इक्वल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम के। इससे जो हमें लिक्विड आपकी मेटल मिलेगी वो आपके वेपर फेज में मिलेगी, तो अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को लिक्विड फेज में अपने को मेटल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, क्रायोलाइट, Na3AlF6। ठीक है, वो क्या करता है, वो आपके मेल्टिंग पॉइंट को 900 डिग्री सेल्सियस पे ले आता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका Al2O3 होता है वो बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, हम उसके लिए मिलाते हैं CaF2, दैट इज़ फ्लोरस्पार, तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और हमने देख लिया था इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिडक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे अपने लास्ट मेटलर्जी। ठीक है, इस चैप्टर की जो है आपकी गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, या इसे हम बोलते हैं आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये नेटिव मेटल्स होती हैं, इनको हम नेटिव मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये कंपाउंड फॉर्म में नहीं मिलेगी अपने को। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर फॉर्म में ही अपने को मिलती है। ठीक है, तो इनकी जो मेटलर्जी होती है वो हम करते हैं, या फिर इनका जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वो हाइड्रोमेटलर्जी के जरिए किया जाता है। ठीक है, दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड by hydrometallurgy.
जिसे हम क्या बोलते हैं, लीची, और लीची, लीचिंग हमने पढ़ा था, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के जो मेथड्स थे उसमें फिजिकल और केमिकल मेथड था, तो बॉक्साइट के कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम क्या काम में लेते हैं, लीचिंग को, प्रोसेस को काम में लेते हैं, ये हमने देखा था। उस टाइम भी मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर के लिए जो एक्सट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपकी ओर होती है, ठीक है, ओर कंटेनिंग नेटिव मेटल्स, ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म में अपने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसकी आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है, सॉल्यूशन से, दैट इज 0.42-0.6% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCN, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है आपके NaCN का, इससे आप रिएक्शन कराते हो। जैसे हम बात करें मेटल Ag, सिल्वर अगर हम मेटल लेते हैं, ठीक है, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है आपका NaCN का, NaCN प्लस H2O, ठीक है। इसमें हम ऑक्सीजन गैस भी काम में लेते हैं, ठीक है। तो जब आपकी ये रिएक्शन होगी तो आपका जो सिल्वर है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये आपके NaCN के साथ रिएक्शन करके एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, दैट इज NaAgCN होल ट्वाइस, ठीक है, NaAgCN होल ट्वाइस, साथ में आपको क्या मिलेगा, NaOH। रिएक्शन हम बैलेंस कर लेते हैं एक बार, ठीक है, फोर ट्वाइस ट्वाइस, ठीक है, ये ट्वाइस है जी, ठीक है। ये होता है आपका सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए हुआ क्या, ये जो सिल्वर थी, जो भी मेटल थी, इसमें आपके पास एक तो ये आपकी ओर है, ठीक है, जिसमें क्या रहेगी, इम्प्यूरिटीज रहेगी, और साथ में क्या रहेगी, सिल्वर मेटल भी रहेगी, और कंटेनिंग सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर तो NaCN के साथ रिएक्शन करके एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगी, लेकिन इसमें जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होगी वो रिएक्शन नहीं करेगी, वो इसी के अंदर रह जाएगी, मतलब लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, और कंटेनिंग सिल्वर, ठीक है, इम्प्यूरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, आप लिख सकते हो यहीं पे, इम्प्यूरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, आपकी जो इम्प्यूरिटीज है वो पीछे ही रह जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो पूरी सिल्वर थी फ्रेश वाली, वो किस फॉर्म में चलेगी, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, ठीक है। अगर यहाँ पे सिल्वर की जगह गोल्ड होता, दैट इज Au, दोनों की हम मेटलर्जी साथ में देखते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन, तो भी क्या होती, सेम रिएक्शन होगी, ट्वाइस Au, फोर NaCN प्लस H2O प्लस O2। रिएक्शन को हमने शायद बैलेंस नहीं किया है, इसको यहाँ पे हाफ O2 ले लीजिए, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। सेम आपका सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ Na, Ag की जगह क्या आ जाएगा, Au, CN होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH, ये भी आपका क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हमने ओर से सिल्वर और गोल्ड को एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, ठीक है। वो क्या करेगी, जैसे हम जिंक लेते हैं काम में यहाँ पे, तो जिंक क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो वो इस कॉम्प्लेक्स से सिल्वर और इस कॉम्प्लेक्स से गोल्ड को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, और आपको जो Ag मिलेगी वो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। इसी के आगे हम लिखते हैं, ठीक है ना, these complex are, these complexes are react with, reacts with more electropositive metal, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होगी तब क्या होगा, देखिए
ये आपका एन ए ए जी सी एन होल ट्वाइस रिएक्शन करेगा आपके साथ, किसके साथ, जिंक के साथ। जनरली हम जिंक को ही काम में लेते हैं, तो क्या होगा, जिंक रिप्लेस कर देगा आपके सिल्वर को, ठीक है। तो आपको सिल्वर अलग फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, और साथ में आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा किसका, जिंक का, दैट इज एन ए टू जेड एन सी एन होल फोर। ये आपका फिर से क्या रहेगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओल्डली और की रिएक्शन करवाई, अपने को सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिला, ठीक है, जिसमें आपका प्योर सिल्वर रहेगी। क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटीज तो आपने पहले ही अलग कर ली। अब इस सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाई आपने किससे, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ, जैसे जिंक। तो जिंक क्या करेगा, सिल्वर को, इस कॉम्प्लेक्स से सिल्वर को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और खुद अपना एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बना लेगा, ठीक है। यहाँ से जो आपको ये मिली है, ये है आपकी प्योर सिल्वर, ठीक है। अगर यहाँ पे गोल्ड होता तो भी सेम रिएक्शन होती, क्या होती है आपके पास, एन ए यू सी एन होल ट्वाइस प्लस जिंक, क्या होगी रिएक्शन, आपको यहां से मिलेगा प्योर ए यू और साथ में क्या मिलेगा, एन ए टू जेड एन सी एन होल फोर। ये आपका फिर से सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एन ए टू जेड एन सी एन होल फोर और साथ में ए यू, ठीक है। तो ये है आपकी सिंपल मेथड किसके लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड और सिल्वर के लिए, ठीक है। इसके बाद अपने को क्या करना रहता है, इसके बाद अपने को करने रहती है इनकी रिफाइनिंग, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड की। वो भी हम कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं रिफाइनिंग के लिए, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड की रिफाइनिंग हम कैसे करते हैं। सिल्वर और गोल्ड की जो रिफाइनिंग होती है ये डिपेंड करती है आपकी जो उसमें मेन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसके ऊपर, ठीक है। अगर हम बात करें रिफाइनिंग किसके लिए, रिफाइनिंग के लिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, फिर हम गोल्ड की रिफाइनिंग देखेंगे। तो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर जो है डिपेंड करती है कि उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। जनरली यहाँ पे जो मेन इम्प्योरिटीज होती है वो प्रेजेंट होती है आपके लेड की, पीबी और जिंक की, ठीक है। तो ये जो रिफाइनिंग होती है ये आपके दो टाइप की होती है, ठीक है, एक को हम बोलते हैं क्यूपिलेशन और सेकंड जो होती है आपकी सिंपल होती है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, क्यूपिलेशन हम कैसे देख लेते हैं, क्यूपिलेशन में होता क्या है, क्यूपिलेशन हम कब काम में लेते हैं, जब आपके मेन इम्प्योरिटी जो होती है कब होती है, पीबी की, यूज्ड व्हेन द मेन इम्प्योरिटी इज पीबी। जब आपकी पीबी लेड मेन इम्प्योरिटी होती है तब हम क्यूपुलेशन को काम में लेते हैं। इसमें होता क्या है, एक सिंपल सा आपका कंटेनर होता है इस शेप का, ठीक है, ठीक है, इस शेप का आपका एक कंटेनर होता है, इसमें आप जो मोल्टन मेटल है उसको फिल कर देते हो, ठीक है, और यहां से आप एयर को ब्लो करते हो, हॉट एयर को
एयर इज ब्लोन, एयर को क्या करते हो, ब्लो करते हो, ठीक है। यहाँ पे जो लेड प्रेजेंट होगा पीबी, ठीक है, पीबी रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, पीबी प्लस ओ टू, फॉर्म होगा आपका पीबीओ, ठीक है। पीबीओ फॉर्म होगा और इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आएगा, आपका एयर का फ्लो हो रहा है और एयर के फ्लो के साथ क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पीबीओ इज ब्लोन अवे, सिंपल सा मेथड है, कोई बड़ा मेथड नहीं है, ठीक है। क्या होता है, मोल्टन मेटल आप लेते हो, एयर को ब्लो करते हो, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ, रिएक्शन करेगी पीबी ओ टू के साथ, पीबीओ फॉर्म होगा और पीबीओ फॉर्म सरफेस पे आएगा और आपने हाई प्रेशर पर लगाया हुआ है एयर का, तो बाहर निकल जाएगा वो, ठीक है। ये जो कंटेनर होता है इसको हम क्यूपुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूपुला नाम होता है इसका, इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं आपका क्यूपुलेशन, ठीक है। सेकंड दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो हम पढ़ चुके हैं वही है आपकी एनोड, जो आपका एनोड होता है वो क्या होता है, थिक शीट ऑफ इम्प्योर सिल्वर, ठीक है, केथोड़ क्या होगा आपके, थिन शीट ऑफ प्योर सिल्वर, इलेक्ट्रोलाइट अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रोलाइट हम काम में लेते हैं वो हम काम में लेते हैं, दैट इज AgNO3 प्लस HNO3, ये इलेक्ट्रोलाइट हम काम में लेते हैं। इंपॉर्टेंट होता है HNO3 काम में लेना, क्यों, क्योंकि ये जो HNO3 होता है ये रिएक्शन कर लेता है पीबी के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ से हमने पीबी को रिमूव किया है, वैसे ही हम यहाँ से भी पीबी को रिमूव करते हैं, ये HNO3 पीबी के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो पीबी आपका फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं, इसलिए हम HNO3 को काम में लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, यही है आपकी रिफाइनिंग किसकी, सिल्वर की, कोई खास नहीं है, मतलब नॉर्मल जो हम पढ़ते आए हैं वही है, ठीक है। बात करें अगर हम रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड, किसकी, रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड, तो वो भी हम करते हैं किसके जरिए, आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सेम होती है, डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। यहाँ हम एनोड जो काम में लेते हैं वो है आपकी थिक शीट ऑफ इम्प्योर गोल्ड, ठीक है। अगर हम केथोड़ की बात करें तो केथोड़ क्या होगा आपका, प्योर गोल्ड होगा, थिन शीट होगी प्योर गोल्ड की, ठीक है, थिन शीट। वहीं अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें वो क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट होगा आपके पास AuCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिफाइनिंग होती है किसकी, गोल्ड की, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो देखिए आज हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, ठीक है। नेटिव मेटल्स होती है और हम जो है उसकी जो आपकी गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है, उसको हम काम में लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं उसकी किसके साथ, NaCN के साथ। इस प्रोसेस को हम लीचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCN का, ठीक है, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, परसेंटेज आपको वैसे कोई ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, NaCN का, रिएक्शन करके सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। और वो जो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, ठीक है। तो आपको वहाँ से सिल्वर और AU दैट इज गोल्ड दोनों क्या हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग इम्पोर्टेंट तो नहीं है,
इतनी कोई खास, डिपेंड करती है कि इम्प्योरिटी कौन सी है, गोल्ड या सिल्वर, ठीक है, मतलब जो इम्प्योरिटीज है वो कौन सी है, या तो लेड है या फिर जिंक है। अगर लेड की प्रेजेंट है तो क्यूपिलेशन करते हैं, और बाकी जो है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, जो हम इतने टाइम से देख ही रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट को कहाँ याद रखना है, दैट इज़ AgNO3 और HNO3 काम में लेते हैं हम सिल्वर के लिए, और गोल्ड के लिए हम काम में लेते हैं AuCl3 और HCl। ठीक है, चलिए याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर होता है आपका मेटलर्जी, वो भी आज यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इस लेक्चर में या फिर इस चैप्टर में हमने बहुत सारी आपकी डिफरेंट टाइप की जो भी मेटल्स थी उनका एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। पहले हमने उनका प्रिंसिपल पढ़े सबके, कि क्या प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज हमने देखा, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं हम, फिर उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, एलिंगम डायग्राम हमने देखा, और रिडक्शन के बाद उनकी रिफाइनिंग कैसे होती है, उनके जो अलग अलग मेथड्स थे वो हमने देखे। फिर हमने अलग अलग इंडिविजुअल जो मेटल्स होती है उनके लिए हमने बात की कि कैसे उनका एक्सट्रैक्शन होता है। आपको क्या करना है, इसको बर्डन की तरह नहीं लेना है। ठीक है, लेक्चर छोटे ही हैं इस चैप्टर के, तो आपको क्या करना है, एक मेटल एक दिन की याद रखनी है। ठीक है, और उसका प्रोसेस देखना है। ठीक है, एक हफ्ते में आपको पूरा चैप्टर ये याद हो जाएगा, और ये इसी तरीके से याद होगा। आप सोचो अगर मैं एक दिन बैठ के याद कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सब मिक्स हो जाएगा, आप भूल जाओगे। ठीक है, तो एक दिन में एक मेटल को याद रखना। ठीक है, और उसी की प्रैक्टिस करना। अब आपको क्या करनी है, केवल और केवल इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होगी, रिकॉल होगी। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।